नमस्कार दोस्तों, आज हम इक्लिप्स यानी कि ग्रहण के बारे में जानेंगे। यूजुअली हम लोगों को पता है कि लूनर इक्लिप्स होता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, और सोलर इक्लिप्स होता है, उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो ग्रहण लगता है या ये इक्लिप्स जो होते हैं, ये अर्थ के रिवॉल्यूशन और रोटेशन के कारण होते हैं, साथ ही में मून के रिवॉल्यूशन और रोटेशन के कारण। लेकिन हमें पता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तब हम उसे लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्रग्रहण कहते हैं। छांव मून के ऊपर गिर जाती है इसीलिए। उसी तरह जब सन के बीच में और हमारे अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, तब हम उसे सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कहते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, और एक ग्रहण हो सकता है जैसे कि हमारे अर्थ के बीच में और हमारे मून के बीच में सन आ जाए? हाँ दोस्तों, ऐसा होता तो नहीं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने वो भी एक सोच रखा है और उसके लिए एक नाम भी दिया है। अगर सोचो ऐसा हुआ कि हमारे अर्थ के बीच में और मून के बीच में अगर सन आ जाए, तो उसे कौन सा इक्लिप्स कहेंगे? तो दोस्तों, उसे हम अपोकैलिप्सी इक्लिप्स कहते हैं, जो दर्शाता है कि हमारा सन अर्थ के और मून के बीच में आ गया है, उसे हम अपोकैलिप्सी कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये नई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।